बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। काफ़ी बार कमेंट करके भी पूछा है, काफ़ी बार जब कंसल्ट करते हैं तब भी पूछा है कि कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। देखिए, मेरे पास HP का 15Q लैपटॉप है, i3 है। अब ये लैपटॉप जो है वो ये है, ये मैंने ख़रीदा था 2018 मिड में, और अभी तक ये 2019 चल रहा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। और इससे पहले भी जो मैंने ख़रीदा था वो HP का ही लैपटॉप ख़रीदा था। तो इस लैपटॉप में टू टाइप्स के लैपटॉप आते हैं, ये देखिए। तो जो दो टाइप के लैपटॉप हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक विंडो इंटीग्रेटेड रहता है, विंडो 10, और एक जो है डॉस में आता है। तो ये दो लैपटॉप हैं जो एक सेम मतलब कॉन्फ़िगरेशन है, और मैंने जो परचेज़ किया था वो ये ख़रीदा था, डॉस वाला। तो इसमें जब मैंने डॉस वाला परचेज़ करा था और इंस्टॉलेशन के लिए दिया था कि इसमें विंडो अपडेट इंस्टॉल करवाने के लिए, तो मैंने 10 विंडो इंस्टॉल करवाई थी, विंडो 7 उसमें ले नहीं रहा था, मैं विंडो 7 ही यूज़ करता हूँ। और तो उसमें हुआ ये, जब विंडो 10 इंस्टॉल हो गई, मेरे पास आया सिस्टम, मैंने ऑन किया तो वो चलते चलते फिर रीस्टार्ट हुआ, एक बार हुआ, दो बार हुआ, इस तरीके से ये डेली बेसिस पे होने लगा। तो जब मैंने पूछा उनसे कि विंडो 10 में ऐसा प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ये बोलते हैं कि ये विंडो 10 हर 15-20 मिनट में अपडेट होती है, और 15-20 मिनट में अपडेट होती है और हर दिन अपडेट होती है, ऐसा नहीं है कि वीकली अपडेट होती है या मंथली अपडेट होती है। तो विंडो 10 के साथ ये प्रॉब्लम थी, तो विंडो 10 मैंने इससे हटवाई और विंडो 8 इसमें इंस्टॉल करवाई दोबारा से। तो अभी तक जब से विंडो 8 मैंने इंस्टॉल करवाई, अभी तक ये रफ़ एंड टफ तरीके से चल रहा है। तो देखिए, ऑनलाइन सेलर्स के साथ होता ये है कि ऑनलाइन सेलर जनरली ट्रैवल करते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, तो लैपटॉप उन्हें साथ में लेके जाना पड़ता है। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा ऑनलाइन सेलर्स को कि वो लैपटॉप लें तो HP का लें, बेस्ट है, रफ़ एंड टफ़ है। इससे पहले भी जो मैं यूज़ कर चुका हूँ वो HP का ही है, उसमें भी अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और इसमें भी अभी तक कोई भी एक प्रॉब्लम नहीं आई है। तो जब ये लैपटॉप मैंने परचेज़ किया था तो एक वीडियो डेवलप करी थी, ये करीब 6-7-8 महीने पुरानी है वीडियो। तो इसमें जो है सिर्फ ये ओपनिंग वीडियो है, कोई डायलॉग नहीं है, क्या क्या पार्ट्स इसके साथ आए थे लैपटॉप में वो मैंने इसमें दिखाया है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। Thank you.